हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव कॉन्शियसनेस एंड हीलिंग। दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू एनरिचिंग लाइव्स। तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम आए हैं एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे। तो हम हैं इस समय मोक्षम हिमालयन कैंप साइट में, जो कि पैंगोंग में है। तो दोस्तों, आज हम आपको किसी मंदिर में नहीं लेकर आए हैं, बल्कि हम आज आपको एक कैंप साइट में लेकर आए हैं। आप सोच रहे होंगे, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? वेल, हमारी सिटी लाइफ इतनी फास्ट है कि हम अनवाइंड करना ही भूल गए हैं। एंड नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। बीइंग इन नेचर इज़ द बेस्ट वे टू एनर्जाइज योर सेल्फ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वी आर हियर। ओके गाइज, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप नेचर में आके कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करें, यानी आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करें। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने जूते चप्पल उतार कर बेयर फुट जो हैं घास पर चले, रास्ते पे चले, और इतनी छोटी सी चीज़ करके भी आप अपनी बहुत सारी स्ट्रेस या नेगेटिव एनर्जी की अर्थिंग कर देंगे। सेकेंड ब्यूटिफुल थिंग टू डू इज़ जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। यू नो, हमारे शहर की पॉल्यूशन हवा जो है कैसी होती है, और शहर की वाइब्रेशंस ही अलग होती है। यू नो, क्योंकि हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, नफ़ा नुकसान, एंड देर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। पर आप जब ऐसी जगह पे आते हैं, ऐसे शहर में आते हैं वेयर लाइफ इज़ अ लिटिल मोर पीसफुल, और आप नेचर के अराउंड है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ यहाँ की वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा सिंपलर होती है, ज़्यादा पीसफुल होती है, और उसका आपके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। सो ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट इन फ्रेश एयर अराउंड नेचर इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। तो अगर आपको और कुछ मेडिटेशन नहीं आता, तो आप ये सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट ब्रीद इन एंड जस्ट ब्रीद आउट एंड जस्ट वॉच योर ब्रेथ। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज़ हगिंग अ ट्री। येस, यू हर्ड मी राइट। आप अगर जाके एक ट्री को हग करेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जिससे कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी की अर्थिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, पर नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। येस, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सिटी लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हम ऐसी जगह पे जाएं और ऐसी जगह पे समय बिताएं जहाँ पे साइलेंस हो। हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं तो हम पहले भागते हैं डिस्कोटेक में, अच्छी अच्छी लग्जरियस रेस्टोरेंट्स में, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट वो करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट साइलेंस में आके टाइम स्पेंड करना है। नॉट नेसेसरी कि आप मेडिटेशन ही करें, लेकिन सिर्फ आके साइलेंस में और नेचर में समय बिताना भी आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने आप को डी स्ट्रेस करने का। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं उत्तराखंड आई हूँ और इन यहाँ की जो जगहें हैं उनको मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो सारी स्पिरिचुअल जगहें जहाँ पर मैं जा रही हूँ, वहाँ पर मैंने सबसे कॉमन चीज़ जो महसूस की, यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं और दूसरी यहाँ पर बहुत साइलेंस है। तो यहाँ मोक्षम कैंप साइट पर अगर आप आएंगे, तो यहाँ की साइलेंस आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ऐसी साइलेंस में आप समय बिता के अपने आप को बहुत ही रिचार्ज फील करेंगे, एंड यू विल बी ऑल सेट एंड ऑल रेडी टू गो बैक टू योर फास्ट लाइफ, टू योर कॉर्पोरेट लाइफ। बट एवरी टाइम टू टाइम मेक श्योर कि आप किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर साइलेंस हो। इसीलिए मैं हमेशा गणेशपुरी चली जाती हूँ, क्योंकि मुंबई से बहुत ही नज़दीक है, और वहाँ पर मैं सिमिलर वाइब्रेशंस और सिमिलर साइलेंस को एक्सपीरियंस करती हूँ। वहाँ से मैं अपने आप को रिचार्ज करके फिर सिटी लाइफ में आती हूँ और फिर अपने काम में भागदौड़ में लग जाती हूँ।
आई होप दोस्तों आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसी क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जगह हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए शूट करूँ और आपके साथ उस जगह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। डू लेट मी नो। इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल हीलर, अ टैरो रीडर एंड आई ऑल्सो गिव अवे एनर्जाइज्ड क्रिस्टल, यानी एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स भी मैं लोगों को देती हूँ। तो अगर आपको ऐसी किसी भी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन लव कॉन्शियसनेस एंड हीलिंग @gmail.com।